ओके, तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ऑटो सेल्स मास्टर रजत सिंह टावर दिस सेट स्वागत करता हूँ आपका के जूस जूम सेशन में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज की मीटिंग इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, एक्मे बिजनेस में करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हमें क्या करना है, हमारी कंपनी का प्रमोशन करना है, प्रमोट करना है हमारी कंपनी को, और कंपनी अपन को पैसा देगी सेल्स से। क्योंकि ऑब्वियसली आप कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, कितना भी प्लान कर लीजिए, जब तक हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, हमारा सेल्स नहीं आएगा, आपको हमें पैसा नहीं आने वाला है। अब सेल्स के लिए क्या होगा, हमें प्रोडक्ट का नॉलेज होना जरूरी है। हमारे पास वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट को आपको रिकमेंड करने के लिए नॉलेज भी होना जरूरी है। कैसे किस इंसान को क्या रिकमेंड करना है, क्या उसके फीचर्स हैं। तो ऐसे ही आज हमारे पास एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट जिसका नाम है मिल्क थ्रिसल, और उसके बारे में हमें नॉलेज देने के लिए एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी मौजूद है। एटमी इंडिया में कुछ चुनिंदा लेडीज हैं जो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं और बहुत अच्छा नॉलेज दे रही है। उन्हीं उन्हीं में से एक है नोएडा से शिखा वर्मा मैम। उनकी आप ट्रेनिंग देखते, आप देखते रह जाओगे, इतना डीप मैम को नॉलेज है, बताने का जो स्किल्स है ना बहुत प्यारा है, मेरे तो फेवरेट है। मैं उनकी बहुत सारी ट्रेनिंग में यूट्यूब से हमेशा लर्निंग करते रहता हूँ। तो आप सभी के वेलकम के साथ इनवाइट करेंगे। शिखा मैम, आपको होस्ट स्टार्ट कर सकते हैं मैम। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि आवाज नहीं आने के बाद भी मैं बेचैन थी कि कैसे आप लोगों के साथ कनेक्ट करूं, और इतना वार्म वेलकम तो सच में मजा ही आ जाता है। और एटमी जैसा प्लेटफॉर्म और रजत जी ने मुझे मौका दिया कि आज मैं एक ऐसे प्रोडक्ट को आप सभी लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करूं जिसकी अपनी वैल्यू शायद हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है, बिकॉज बहुत सारे हमारे लोग जो है ना इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं एंड दे ऑल नो कि ये प्रोडक्ट कितना मायने रखता है हम लोगों की लाइफ में। छोटा सा प्रोडक्ट है, अगर आप देख पा रहे हो ना तो ये छोटी सी बॉटल है, और इस प्रोडक्ट की वैल्यू जो लोग आज के सिनेरियो में शायद जल्दीबाजी में खाना ढंग से नहीं खा पाते हैं, या वर्कलोड इतना ज्यादा हो जा रहा है कि दिन भर बैठे बैठे रह जाते हैं, या समहाउ उनकी कुछ ऐसी आदतें हैं जैसे अल्कोहल वगैरह की जो वो चाह के भी नहीं छुटा पा रहे हैं, या आजकल हमारे बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे बच्चों की जो प्रेफरेंस होती है फूड की वो होती है जस्ट लाइक पिज्जा बर्गर, मतलब जंक फूड, कुछ नहीं हुआ तो ब्रेड सिंपल। हर घर में जो लोग ये सोचते होंगे कि नहीं जी हमारे बच्चे तो पिज्जा नहीं खाते हैं बर्गर नहीं खाते हैं, तो भाई ब्रेड तो खाते हैं, या मार्केट से ले आई हुई फ्राइड चीजें तो खाते हैं। ये सारी चीजें भी आपके घर में आपके हेल्दी लिवर को, लिवर हम लोगों का वो एक बॉडी पार्ट है जो अगर आप कहिए कि सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारे पूरा जो हमारा शरीर है ना उसमें सबसे बड़ा बॉडी पार्ट होता है जो कि सेल्फ हीलिंग की प्रवृत्ति रखता है। सेल्फ हीलिंग मतलब अगर कहते हैं ना कि हमारा नाखून है, अगर हमने इसे कट कर दिया तो ये धीरे धीरे फिर से बढ़ जाता है, हमारे बाल हैं अपने आप से बढ़ जाते हैं, बट ये डेड टिश्यूज है, ये जो टिश्यूज है ना ये जब तक रूट से कनेक्टेड है तब तक इनमें जान है, और जैसे जैसे ये लंबे होते जाते हैं ये डेड होते जाते हैं। इसीलिए अगर जब आप इनको कट करते हैं ना तो आपको दर्द नहीं होता, लेकिन अगर जब ये जड़ों से जुड़े होते हैं ना और जरा सा खींच दिया जाए तो आपको पेन बहुत होता है। आप नाखून को ऊपर से कट करिए नहीं पता चलेगा, लेकिन वही नाखून जरा सा जड़ से अगर आपने कट कर दिया ना तो आपको दर्द पता चलता है। लेकिन जिस तरह से नाखून की प्रवृत्ति होती है निरंतर बढ़ते रहने की, वैसे ही हमारा जो लिवर होता है ना उसकी प्रवृत्ति होती है अपने आप को हील करने की। सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे बॉडी में जो कि अगर 80% तक भी डैमेज है, अगर उसमें किसी कारण से मान लीजिए आपके घर में खान पान की सुविधा ढंग से नहीं है, सुबह आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं और लेट नाइट आ रहे हैं, और दिन भर में आपके पास खाने के लिए जो है वो ऑफिस का ही खाना है यानी कि बाहर के ही खाने का ऑप्शन सिर्फ बचा हुआ है, या अगर आपके बच्चे ढंग से न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं, जंक फूड्स पे डिपेंडेंट है, आइदर खाने में आनाकानी कर रहे हैं, तो जो वो फूड उनकी बॉडी को बैलेंस डाइट प्रोवाइड करने वाला है
वो उतना उनके पास नहीं जा पा रहे हैं, या कोई भी ऐसा रीजन है जिस वजह से हमारे लिवर को अपना काम करने की पूरी प्रक्रिया नहीं मिल पा रही है, और दैट्स हाउ वो आपका लगभग अगर 80% तक भी डैमेज हो गया है। तो ये जो हमारी छोटी सी बॉटल है, इसका मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इस तरीके का टैबलेट होता है, रेड कलर का टैबलेट है, अगर आप देख पा रहे हो ये रेड कलर का टैबलेट है ना, ये आप लोगों को अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने उन मासूम बच्चों को जो हमारे घर में शायद नहीं जानते, उन्हें लगता है कि पिज्जा बर्गर टेस्टी है तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, और सबसे मजेदार पार्ट होता है कि बच्चे कहते हैं उसमें वेजिटेबल है, तो आप कहते हैं ना कि वेजिटेबल खाना चाहिए, फायदा होता है, बच्चे वो भी आपको ऑप्शन दिखाते हैं इसमें वेजिटेबल तो है, फिर आप कैसे कह रही हैं मम्मा कि ये नुकसान करेगा, राइट? तो वहां पर आप हर चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, तो क्योंकि 10 बच्चे अगर एक ही चीज कर रहे हैं और आपका एक बच्चा उस चीज को नहीं करेगा, तो वो उसमें दूसरी चीजों को डेवलप कर देगा कि हो सकता है मेरे पेरेंट्स हमें मान नहीं रहे हैं, या सबके मम्मी पापा खिलाते हैं, आप ही को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो एक अदर सिनेरियो दे ले। तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, आप वहां पे कर सकते हो कि उसकी बॉडी में कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स डाल दीजिए जो उन अनवांटेड चीज, जो चीज उसके लिए नुकसानदायक है, उसके जो भरपाई है ना उसको कर सके। ये मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ, खासतौर से उस दिन तो जरूर देती हूँ जिस दिन किसी भी तरह का जंक फूड या फ्राइड चीज हम ज्यादा यूज कर लेते हैं, और क्योंकि हम लोग भारतीय है ना, हमारे जो खान पान है ना वो मोस्टली ऑयली हो जाता है, नहीं चाहते हुए भी। अभी जैसे फेस्टिवल्स गए हैं, फेस्टिवल में आपके पास स्वीट्स का ऑप्शन बहुत ज्यादा रहता है, मिठाइयाँ हर घर में बनती भी हैं, बाहर से भी आती हैं, इवन जो आता है वो भी लेकर के आता है, और आप खाए बिना नहीं रह सकते। इसमें आपके घर में सबके घर में पकवान बने होंगे, हम सबने दबा के खाया है, खाइए, लेकिन अगर आपके शरीर में वो ताकत नहीं है कि आप उस चीज को पचा सके, तो आपको ध्यान देने की जरूरत। यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को यूज करके उसका काम कर सकते हैं, राइट? अब यहाँ पे बात आती है कि हम लोग अपने लिवर को किस तरह से हेल्दी रख सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि लिवर काम क्या करता है। लिवर, मैंने बताया, सबसे बड़ा ऑर्गन है और इसके फंक्शन सबसे ज्यादा है, लेकिन इसके नुकसान करने वाली प्रवृत्ति भी सबसे ज्यादा होती। कहते हैं ना, जिस चीज पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है वो जल्दी डैमेज होता है, इसीलिए इसकी देखभाल करना भी हम लोगों को बहुत जरूरी होता है। ये ब्लड फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है, सबसे महत्वपूर्ण बात। और ब्लड क्या होता है, हमारे पूरी बॉडी में जितना भी आप चीजों को कंज्यूम करते हैं अंदर, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो आपका कोई भी चीज हो, वो सारी चीजें आपका ब्लड के थ्रू आपकी बॉडी में सर्कुलेट होता है, राइट? अब आप क्या करेंगे, अब आपको उस चीज को मैनेज करने के लिए लिवर को हेल्दी रखना पड़ेगा। ब्लड में से जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन का मतलब होता है जो भी अनवांटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी जहरीले पदार्थ होते हैं, जहरीले पदार्थ का मतलब ये नहीं कि हम पॉइजन खा रहे हैं, बट इनडायरेक्टली पॉइजन खा रहे हैं हम। कैसे, हमारे घर में जो सब्जी आ रही है वो बिल्कुल प्योर नहीं है, वो बिल्कुल भी खाली खाद पानी से बनी हुई नहीं है, उसमें जो खाद पड़ रहा है उसमें यूरिया का भी कंपोजिशन है, उसमें जो खाद पड़ रही है उसमें नाइट्रोजन अलग से डली हुई है, फास्फोरस अलग से डली हुई है, अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूरक करने के लिए वहां पर आपके जो भी हैं उनमें केमिकल खाद डाली जाती है, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है कि उनको कीड़े मकोड़ों से या जो भी पैरासाइट्स होते हैं या जो भी लार्वा होते हैं उनसे बचाया जाए। अब इन सारी चीजों को लेकर के आप सारे केमिकल्स का जो जहर होता है वो अपने अंदर लेकर के जा रहे हैं। होती है कि आपके शुगर लेवल को मेंटेन कर रहे हैं। शुगर लेवल को मेंटेन करने का मतलब क्या होता है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है उसमें, जैसे पैनक्रियास का काम होता है शुगर के लेवल को मेंटेन करने का, लेकिन लिवर से जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो पैनक्रियास को हेल्प करते हैं कि वो अपना काम प्रॉपरली कर सके। जिम्मेदारी तीसरी यहाँ पर क्या हुई कि आपके शुगर के लेवल को मेंटेन करने का काम, ब्लड क्लॉटिंग को मेंटेन करना। कई बार होता है कि हमें चोट लगती है और हमारा खून बहता है, और अगर आप कुछ भी ना करो ना
तो जो अगर छोटी मोटी चोट होती है ना, आपने देखा होगा पहले वो थोड़ा सा जम जाता है, उसके बाद एक येलो कलर का पानी जैसा चिपचिपा पदार्थ उसके ऊपर आता है और फिर एक पपड़ी जैसी जम जाती। पर कुछ लोगों में क्या होता है कि ये जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, खून जमने की प्रवृत्ति होती है ना, ये कम होती जाती है, खास तौर से शुगर पेशेंट्स में। कोई भी चोट लगती है तो वो जल्दी हील नहीं होती है, जल्दी ठीक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनके शुगर लेवल इतने ज्यादा हो जाते हैं कि जो ब्लड क्लॉटिंग का विटामिन के होता है वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाता है, और थ्रोम्बिन प्रोटीन जो होता है वो उस ब्लड के काम को करने में केपेबल नहीं होता है। तो ये चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी हुई कि, और इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, अगर खून निकलना बंद हुआ, लेट सपोज कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपका कई बार होता है कि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो अपने आप ठीक होने लगते हैं, लेकिन कुछ इंटरनल चीजें ऐसी होती है कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा है या आवश्यकता से अधिक कम है, तो वहां पर आपके खून के जमने की प्रक्रिया कम हो जाएगी और आप इंटरनल ब्लीडिंग, आइदर आउटर ब्लीडिंग जो भी होती है, वो अधिक बहाव के कारण, खून का अधिक निकलने के कारण आपका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण काम है कि अंदर ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो विटामिन के है और जो थ्रोम्बिन प्रोटीन है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बना करके रखने की जिम्मेदारी भी हमारे लिवर की हो जाती है। साथ ही साथ होता है बाइल सिक्रीशन, बाइलीरुबिन और बाइली रूबिलिन का जो फाउंडेशन होता है ये आपके लिवर को हेल्दी बनाता है, और ये जो सिक्रीशन होता है ये गॉल ब्लैडर से होता है जहां पर बाइल का सिक्रीशन हो रहा है, और वो आपके लिवर में आकर के कलेक्ट होता है और फिर ये प्रोटीन और फैट कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। मतलब स्टार्टिंग जो है वो आपके लिवर के ऊपर ही है जिम्मेदारी डाइजेशन की। साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म है, इन सारी चीजों का पाचन जो है, चयापचय जिसे हम कहते हैं, उपापचय, कि ये जो प्रक्रियाएं हैं चाहे वो प्रोटीन से रिलेटेड है, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है और फैट से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि इन सबके सारे एंजाइम जो है वो आपके लिवर से निकल रहे हैं, तो अगर ये लिवर इन सारे एंजाइम्स को सही तरह से रिलीज नहीं करेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ ग्लाइकोगन को स्टोर करने का काम, विटामिन को स्टोर करने का काम और अदर सब्सटेंस को स्टोर करने का काम भी हमारे लिवर के पास होता है, कि इन केस जैसे अगर मान लीजिए कभी हम लोग फास्टिंग में होते हैं, कभी व्रत रह लिया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम उसी दिन मर जाते हैं। हम एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, जैसे अगर मैं एक जनरल बात करूं, अभी हमारा छठ महापर्व था जिसमें हमारे जो लेडीज व्रती थे वो लोग लगभग 3 दिन का व्रत, कायदे से अगर देखा जाए तो टोटल 2.5 दिन, बट अगर डे वाइज हम काउंट करें तो लगभग 3 दिन का व्रत रहते हैं और फुल एनर्जी के साथ, बिकॉज उनके लिवर में जो स्टोर फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स हैं वो आपको एडिशनल हेल्प करता है लगभग 10 दिन तक। अगर आप खाना पीना ढंग से नहीं भी खा रहे हैं तो भी आप एनी हाउ 10 दिन तक आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो लिवर है ना वो स्टोरेज का काम करता है इन सारी चीजों का, और उसको ब्रेक कर करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करते रहता है। हाँ, थोड़ी बहुत वीकनेस आपको लगती है, वीकनेस इसलिए लगती है क्योंकि ढंग से आपने खाना नहीं खाया जो रेगुलर आप खा रहे थे, लेकिन स्टोर्ड फूड की वजह से ब्रेकडाउन में आपको जो एनर्जी मिल रही है एटीपी एडीपी की वजह से, वो आपको हेल्प करती है कि आप अपना काम सही तरीके से कुछ दिनों तक कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ आपके ब्लड वॉल्यूम को, ब्लड कितना जाना है, कैसे जाना है, वो सारी चीजों के ब्लड वॉल्यूम का भी कॉन्फ़िगरेशन हमारे लिवर के पास में होता है। अब जो हमारा रेड ब्लड सेल है, इसमें क्या होता है कि जिस तरह से हम लोग कहते हैं ना कि बालों का रिन्यूअल होता है, हेयर लॉस होता है हमारा सीजनल, 3 महीने पे या 4 महीने पे हमारा, अगर हम ईयरली देखते हैं तो हर 3 से 4 महीने पे हमारे बालों की जो रिन्यूअल होती है, जो जड़ से कमजोर बाल होते हैं वो झड़ते जाते हैं और फिर नए बाल उसकी जगह ग्रो करते रहते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो बैलेंस रहता है हमारा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो ओल्ड ब्लड सेल्स हैं वो आपकी अगर डैमेज हो जाती हैं तो उसको रिप्लेस करने का काम भी क्या करता है, हमारा लिवर करता है। तो इतनी ज्यादा अगर किसी चीज के ऊपर जिम्मेदारी होगी तो उसे उसका काम करने के लिए भी तो ताकत चाहिए ना। अब यहाँ पे बहुत सारी बीमारियां भी हैं, जैसे अगर डिजीजेस वायरस के थ्रू कहें, क्योंकि इंटरनल जो हमारा कंडीशन है, अगर हम अंदर से ताकतवर नहीं रहेंगे, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है,
तो बाहर से जो भी पैथोजेंस होते हैं, एक्सटर्नल वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, अलग से माइक्रोब्स जो होते हैं, ये सारी चीजें हमारे पर हमला करते हैं, तो समहाउ हमें क्या होता है, कई बार हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये तीन तरीके के हेपेटाइटिस डिजीजेस होते हैं, जिसमें से बी वाला जो होता है ये समहाउ थोड़ा सा ठीक ठीक होता है, मतलब इफेक्टिव होता है लेकिन बहुत ज्यादा फेटल नहीं होता है, इसमें आपकी जान जाने का खतरा नहीं होता है। लेकिन जो हेपेटाइटिस ए होता है और हेपेटाइटिस सी होता है, जिसमें से हेपेटाइटिस ए जो होता है ये वर्स्ट होता है, और जो हेपेटाइटिस सी है वो फैटल होता है, बहुत ही रेयर केस में हेपेटाइटिस सी से लोग बच पाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा ये इम्पैक्टिव होता है कि आपके लिवर को इमीडिएट डैमेज कर देगा अगर वो वायरस आपके अंदर इन्फेक्ट करता है और आप खुद से इम्यून नहीं है उस चीज के लिए। तो आप समझ लीजिए 3 से 4 दिन के भीतर आपका जो लिवर, एक हेल्दी लिवर में था, वो तुरंत सिरहोसिस की तरफ चला जाता है और फिर वहां पर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीजों के लिए ओवरऑल हमें क्या करना है, हमें अपने लिवर को हेल्दी रखना है। सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप मिल्क थीसिल, अगर मैं एक जनरल बात करूं कि अपने लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैंने आपको एक ऑप्शन बताया, कुछ लोग, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूं क्योंकि ये क्राइटेरिया है एल्कोहल कंजम्पशन का, कुछ लोग जो इस एल्कोहलिक बेवरेज को यूज करते हैं, और मैं एक चीज और भी यहाँ पर ऐड करूंगी, कोई इसे अदरवाइज नहीं लेगा, एल्कोहल एक निश्चित मात्रा में लिया जा रहा है तो वो आपके लिए हेल्पफुल होता है, किस तरीके से वो भी जानिएगा, और कोई भी इस चीज को अपने घर में अदरवाइज यूज नहीं करेगा कि मैम ने बोला है कि अल्कोहल लेना चाहिए अच्छा होता है, मैम ने ये नहीं बोला कि अल्कोहल लेना चाहिए अच्छा होता है, बट एल्कोहल का कुछ परसेंटेज, लाइक 1% अल्कोहल का होता है आपका, जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है ना उसका भी कुछ परसेंटेज जो होता है वो अल्कोहल का होता है, जिसकी वजह से अगर आपने उसका टिंचर लिया हो, मदर टिंचर जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल भी पीने लायक नहीं रहता, इतना तेज होता है कि अगर आप उसे डायरेक्ट लेते हैं तो वो फायदा भी बहुत करता है, इसलिए उसको डायल्यूटेड फॉर्म में लिया जाता है, राइट। तो हर चीज अगर आप एक एक्यूरेट अमाउंट में लेते हैं ना तो वो फायदा करती है, बट जिन लोगों को एडिक्शन होता है इस चीज का, उनके लिए ये है कि आप इस तरह के एडिक्शन से दूर रहें। और अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन की भी बात करते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन का भी सॉर्टिंग क्या है कि वो आपको फायदा करती है अगर आप उसके कहे गए नियम के अनुसार पालन करते हैं। नॉर्मली हम होम्योपैथिक मेडिसिन भी आपको नुकसान करेगी, कई बार होता है ना, कुछ लोग होते हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं एलोपैथिक मेडिसिन के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, मेरे घर में अगर किसी को कुछ भी होता है मैं इमीडिएट होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना ज्यादा बेटर समझती हूँ, और जैसे वो बताते हैं उस तरीके से करती हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे ये पता है कि एलोपैथिक मेडिसिन जो हैं वो आपको इंस्टेंट रिलीफ जरूर दिला देती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में उन प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा नुकसान आपके हेल्दी ऑर्गन्स को झेलना पड़ता है, राइट। सो बेटर कि अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर डिजीज हुई है तो आप एलोपैथिक में जाकर के इंस्टेंट रिलीफ ले लीजिए, लेकिन उसका परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए आप किसी न किसी होम्योपैथिक डॉक्टर जो अच्छा हो उससे सजेशन लीजिए और उसके अकॉर्डिंग काम करिए, और बाकी हमारे सप्लीमेंट्स तो खुद ही सेल्फ हीलिंग पर। दूसरी चीज है यहाँ पर कि अगर आपको लगता है कि अपने आप को इन प्रोडक्ट्स के जैसे अगर लग रहा है कि मुझे एलोपैथिक यूज ही करना है, जैसे कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके लिए आप इमीडिएट एक्शन के एक फॉर्म में रहते हो कि आपको लगता है कि नहीं मुझे इसका रिजल्ट इमीडिएट चाहिए, तो वहां पर आप यूज करिए, बट उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को उस तरीके का बनाइए कि उसके होने वाले साइड इफेक्ट को आपकी बॉडी बेयर कर सके और साथ ही साथ उसके होने वाले नुकसान से आपको बचा सके। अगर लिवर से रिलेटेड है तो मिल्क थीसिल, आप अगर हैवी ड्यूटी मेडिसिन पे हैं, चाहे वो शुगर का मेडिसिन हो, चाहे वो बीपी का मेडिसिन हो, चाहे वो किसी भी अदर क्रॉनिक डिजीजेस के लिए आप ले रहे हो, साथ ही आपके डाइजेशन से रिलेटेड ले रहे हो, आज ही आप मिल्क थीसिल को यूज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मिल्क थीसिल के अगर आप फायदे भी ढूंढेंगे ना तो मिल्क थीसिल के फायदे आपको इतना ज्यादा मिलेंगे, ये आपके लिवर को सेल्फ हीलिंग में मदद करता है।
लिवर की सेल्फ हीलिंग आप अगर देखें, दूसरा चीज ये नई सेल्स को बनाने में हेल्प करता है। लिवर अगर आपका 80% तक डैमेज हुआ भी है ना, तो जो मिल्क थिसिल में साइलेमरीन होता है, सेलेमरीन करके होता है, वो काम करता है आपके लिवर के जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स, जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, वो अगर डिस्ट्रॉय भी हो चुका है ना, तो उनको रीगेन करता है और आपके लिवर को हेल्दी कन्वर्ट करने में मदद करता है। फंक्शन मैंने आपको इतने सारे बताए कि किस तरीके से आप अपने लिवर के फंक्शन को यूटिलाइज करने में, लेकिन अगर आप कंटिन्यू एलोपैथिक मेडिसिन पर रहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, क्योंकि अभी यहाँ पर मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं ना, इसमें से बहुत सारे लोगों का ये होगा कि इवन मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अगर मैं अपने किसी वेल नोन को अगर बोलती भी हूँ ना कि आपको ये प्रॉब्लम है और आप हमारे सप्लीमेंट्स को यूज करो, दे ऑल नो कि इसका कोई फायदा होगा, है ना। बाहर के लोग आप पर विश्वास करेंगे पर अपने लोग जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो चीज बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके कोई भी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो उसको फायदा दिला सकते हैं, बेहिचक बोलिए, वो मना ही तो करेगा, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि एक दिन वही पर्सन आपके पास वापस आकर के आपसे सप्लीमेंट मांगेगा, क्योंकि ये मेरा अपनाया हुआ चीज है। मैंने शुरू में अपने सारे प्रोडक्ट्स को अपने सारे फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर बताया है, ये इस चीज के लिए है, ये इस चीज के लिए, करे ना करे उनकी मर्जी है, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो रिटर्न टू मी हुए हैं और मेरे से वो प्रोडक्ट्स अब लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर कोई ये कहता है ना कि मैं हेल्दी हूँ, ये उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि उस जगह पे इतने सप्लीमेंट्स अगर हम लोग भी यूज कर रहे हैं ना, तो भी आज अगर मैं भी अपना ब्लड टेस्ट कराऊं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ निकलेगा, कुछ भी जरूर निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो एनवायरमेंट है वो पूरी तरह से पॉल्यूटेड है, हम जो खा रहे हैं उसमें से 100% आपको ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं मिल रहा है, जो पानी आप पी रहे हो वो आरओ का पानी पी रहे हो, वो ऑलरेडी आपके जो यूजफुल मिनरल्स हैं उनको निकाल करके जो हैवी लेड मटेरियल्स होते हैं, आर्सेनिक वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें आपका डाल रहा है। तो अगर हमारा 80% जो शरीर है जो पानी का बना, 75% जो पानी का बना हुआ हमारा शरीर है, वो भी हम आरओ के पानी में मिले हुए हैवी मेटल्स के साथ यूज कर रहे हैं, तो आप सोचो हम अपने शरीर को कहाँ लेकर के जाए। लेकिन ये जो मिल्क थिसिल है, या हमारा न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स है, या हमारा ओमेगा 3 है, हमारा हीमोहीम है, स्पाइरुलिना है, इन सारी चीजों के यूज को जब तक आप जानोगे नहीं, आप अपने किसी भी अपने की जान तब तक नहीं बचा सकते हो। तो सिंपली अपना फंडा बस ये क्लियर रखिए कि अगर किसी को भी गट रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो 100% श्योर है कि उसके लिवर में खराबी शुरू हो चुकी है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कन्विंस करते हो कि वो अपने लिवर की हेल्प के लिए आपसे मिल्क थिसिल को ले, क्योंकि मिल्क थिसिल का फंक्शन मैंने आपको बताया कि ये जो इसमें सेलेमरीन होता है, मिल्क थिसिल एक पौधा होता है, उसकी जो फ्रूट्स होती हैं, उसकी जो लीव्स होती हैं, उसकी जो पत्तियां होती हैं, उनके जो फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं, ये सारी चीजों से लेकर के मेडिसिन बनाई जाती है, और उनमें सेलेमरीन जो होता है ये रिपेयर करने का काम करता है। अब यहाँ पे एक बात सीधी सी सामने आएगी कि जब मार्केट में बहुत सारे मिल्क थिसिल हैं, जैसे मैंने अभी सुना जब मैं बीच में ज्वाइन कर रही थी, किसी ने बोला प्रोडक्ट्स महंगे हैं, है ना, तो मेरे हिसाब से अगर मेरी जान बचती है मेरे प्रोडक्ट से, तो मेरी जान से तो महंगे नहीं है प्रोडक्ट। और आप वही चीज को बचाने के लिए लाखों जाकर के मार्केट में डाल देते हो, तब तो आपको प्रोडक्ट्स महंगे नहीं लगते थे वो, जबकि वो जो जिससे आप लेकर के आ रहे हो वो उसकी कोई गारंटी नहीं लेता है, जिस डॉक्टर से आप लेकर के आ रहे हो वो डॉक्टर कोई गारंटी नहीं लेता है, जिस कंपनी से वो प्रोडक्ट बना हुआ है वो कंपनी उस चीज की कोई गारंटी नहीं लेती है। तो यहाँ पे तो हमारी कंपनी हमको बायबैक की पॉलिसी देती है कि अगर 1 महीने तक आपका प्रोडक्ट आपको एनी हाउ विथ अ सॉलिड रीजन कुछ उससे आपको नुकसान हुआ है, तो आप कंपनी को रिटर्न में दे करके प्रोडक्ट को वापस करके रिफंड ले सकते हो विथ अ सॉलिड रीजन। अब इतनी गारंटी से ज्यादा हम और क्या ही दे सकते हैं, साथ ही आपको हर्बल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं जिनका लॉन्ग लास्टिंग कोई नुकसान नहीं है, ये कितना फायदा पहुंचाएगा इसको आप गिन भी नहीं सकते हो,
और आप इस चीज पर सर पटके हो कि ये प्रोडक्ट्स महंगे हैं। एक जनरल अगर मैं बात करूं तो अगर हमारा ये प्रोडक्ट 3186 का है, इसमें 120 टेबलेट्स हैं, तो आप पर टेबलेट की कॉस्ट एक बार जरा जोड़ के देखिएगा, और उस पर टेबलेट को अपने उस वाली टेबलेट से कॉस्ट करिएगा जो आपने एलोपैथिक मेडिसिन के लिए ली हुई है, जिसका आप शायद एक 8 महीने, 8 साल, पता नहीं कितने साल से आप यूज कर रहे हैं, और आपके शुगर लेवल में, आपके गट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। आप सिर्फ खाए जा रहे हो, शुगर की मेडिसिन सवेरे खा रहे हो, शाम में खा रहे हो, जो इंसुलिन वाले पेशेंट से इंसुलिन लगवा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। भाई जब इंसुलिन लगा करके खाना खाना है तो उसके कुछ लिमिटेशन तो होनी चाहिए ना, कब तक लगानी है, कितने दिन मैं लगा करके खाऊंगी इंसुलिन। लेकिन वहां पर हम ये कह रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट को अगर आप सीवियर स्टेज में भी हो और इन प्रोडक्ट्स को यूज करके आप, चलो मैक्सिमम मैं मान लेती हूँ कि 1 साल तक भी आपको अगर खाना पड़ रहा है, तो क्या ये आपकी उतनी महंगी इंसुलिन से सस्ता नहीं पड़ रहा है? सोच के देखिएगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर आपको महंगी लग रही है तो शायद आप अपने प्रति केयरफुल नहीं है। जितने भी लोगों को अगर हमारे प्रोडक्ट्स, मेरे प्रोडक्ट्स, मैं तो अपने प्रोडक्ट्स कहती हूँ कि ये मेरे प्रोडक्ट्स एटमी के अगर आपको महंगे लगते हैं ना, तो फिर आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कभी नहीं सोचते हैं। मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, तो मैंने कभी अपनी फैमिली के हट के कुछ नहीं सोचा। मैंने इस बिजनेस को पैसिव इनकम तो बाद में बनाया है। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मुझे हमेशा ऐसे प्रोडक्ट की कोशिश रहती थी ढूंढने की कि जिससे मेरे जो फैमिली है ना, वो अधिक से अधिक कंटामिनेशन से बच सके। और मैं हमेशा ढूंढती रहती थी हेल्दी चीज हो, हर्बल चीज हो, शैम्पू भी अगर यूज करना है तो मैं कोशिश करती थी कि मैं अपने प्रोडक्ट को आयुर्वेदिक के साथ स्विच करूं। बहुत सारी टी चीजें मैंने भी ट्राई करी थी, लेकिन जब से मैंने एटमी के प्रोडक्ट्स को यूज किया है ना, वो मुझे 1 महीने में फायदा कर रहा है, 2 महीने में कर रहा है, 6 महीने में कर रहा है, बट मेरे दिमाग में एक सेटिस्फेक्शन ये है कि ये मुझे नुकसान नहीं कर रहा है। अगर मैं इसे 6 महीने, साल भर भी लगा रही हूं ना, तो ये मुझे कभी नुकसान नहीं करेगा। और जितना पैसा मैंने दिया है ना, उसका पॉइंट तो कंपनी मुझे इमीडिएट देती है, जो कहीं ना कहीं मेरे लेफ्ट में या राइट में या मेरी सेल्फ आईडी पर जा रहा है, तो वो मेरी मैचिंग में ही आ रहा है। और प्रोडक्ट तो मेरे घर 3 से 4 दिन बाद आ रहा है, और वो भी जा रहा है 8-9 महीने अगर। अगर मैं हेल्थ सप्लीमेंट्स की बात ना करूं, तो मैं नॉर्मल अपने प्रोडक्ट्स की, दूसरे किसी प्रोडक्ट्स की बात करती हूँ, तो वो भी मेरा अगर 7-8 महीने जा रहा है, तो पर मंथ की कॉस्ट एक बार निकाल करके देखिएगा, और जो अभी आप केमिकल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो ना, उन प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को कंपेयर करिएगा, एंड देन आप बताइएगा कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या अभी भी महंगे हैं। और सॉरी टू से, जिन लोगों को ये लग रहा है कि हाँ अभी भी महंगे हैं, तो फिर आपके लिए एटमी के प्रोडक्ट्स हैं ही नहीं। आप अभी भी केमिकल पे स्विच होने के लिए तैयार हैं, और उन केमिकल को अपनी बॉडी में डाल करके उसके बाद लाखों खर्च करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाने को तैयार हैं, और मेरे हिसाब से वो कोई समझदारी नहीं है। डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां पे आप पहले तो कंसल्टेंसी 1,000 रुपए के करीब रख लीजिए, उसके बाद वो एक लंबा सा पर्चा पकड़ाएगा जो आपके एक एक्चुअल डिजीज को कनेक्ट करेगा, उसके बाद अननेसेसरी वो आपको एक एसिड की, गैस्ट्रिक की दवाई देगा, एक वो दवाई देगा जिसका उस प्रिस्क्रिप्शन में कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ इसलिए है कि शायद ये दवाई आपको अगर बाई चांस फायदा ना करी तो, एंटी एलर्जिक जिसे हम कहते हैं। और बाकी दो वो अपने साथ एडिशनल कर, मतलब अगर वो 6 से 8 चीजें दे रहा है ना, तो उस 6 से 8 चीजों में सिर्फ दो आपकी मेजर मेडिसिन होती हैं, और बाकी जो 6 होती है ना, वो सिर्फ एडिशनल होता है, जिसका वो सिर्फ ट्रायल एंड एरर मेथड आप पर कर रहा है। और वो पहले आपको 10 दिन का देगा या 5 दिन का देगा, फिर कंसल्टेंसी आपसे लेगा, क्योंकि 5 दिन के अंदर आपको कोई दिक्कत होती है तो वो फ्री में होगा इलाज आपका। आफ्टर 5 डेज फिर एक कंसल्टेंसी आप दोगे वो 1,000 रुपए वाली, एंड देन आप फिर वो 10 दिन का, 15 दिन का, कोई श्योरिटी नहीं है कि आप सही हो जाओगे। 6 महीने भी अगर आपको वो दवाई करने के लिए कहेगा ना, और आप एक बार भी वहां नहीं जाके पूछोगे कि सर मुझे ये कब तक खानी है, क्योंकि उसके पास डिग्री है। सिर्फ इतना अंतर है,
वो एक डिग्री लेकर के बैठा है, तो हम एक विश्वास के जात आते हैं। और यहाँ पे डिग्री की बात नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 650 ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रूव करके रखा है कि एटमी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो 100% प्योर है। अगर हम कह रहे हैं कि इसमें मिल्क थिसल है, तो ये मिल्क थिसल से ही बना हुआ प्रोडक्ट है, इसमें किसी भी तरह का अदर कुछ भी नहीं है। हमारा स्पाइरुलिना, अगर हम कहते हैं कि वो 100% स्पाइरुलिना से बना हुआ स्पाइरुलिना ही है, तो वो 100% ही है। और इसकी गारंटी कैसे है? क्योंकि हमारी कंपनी उस जो भी फार्म होता है जहां पर हमारा ये मिल्क थिसल बन रहा है ना, जहां पे ये मिल्क थिसल ग्रो हो रहा होगा, उस मिल्क थिसल के फार्म को हमारी कंपनी ओन करती है, और उसके बाद अपने ऑब्जर्वेशन में फुल्ली और प्योरली पहले उस मिट्टी का पूरा कंटामिनेशन हटाया जाता है बाय टेक्नोलॉजी, और उसके बाद नए सीड्स लगाए जाते हैं जो कि ऑर्गेनिकली प्रिपेयर्ड होते हैं, और उसके बाद जो उनका जो आपका सारा फीचर होता है उस प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो जो भी प्रोसेस यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपकी ऑर्गेनिकली बनाई जाती है अंडर जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके ऑब्जर्वेशन में कई सारे लैब्स के थ्रू। दैट्स वाई हाउ आई एम अश्योर्ड अबाउट माई प्रोडक्ट। मेरे से कोई कह के तो देख ले कि क्या गारंटी है कि मिल्क थिसल नहीं है, मेरे पास उसकी हर एक चीज की गारंटी होती है। मेरी कंपनी लिख के देती है कि ये चीज 100% प्योर, और इसमें कितना परसेंटेज है। तो ये चीज ले आने के लिए ना, ये जितने भी लोगों को अभी भी ये लगता है कि ये प्रोडक्ट्स हैं, तो आप सभी लोगों को सबसे ज्यादा पहले जरूरत है अपने आप को सेल्फ ट्रेन करने की। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, बिकॉज अभी हम बिगिनर्स होंगे इसलिए हमें ये लगता है, और ये प्रॉब्लम हम लोग के साथ भी आएगी, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं आएगी। बट यस, अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हो आप, तो आप एक सॉलिडिटी की गारंटी लेकर के बैठो, और जिसके पास भी बैठो ना, वो कॉन्फिडेंस आपकी बातों में और आपके फेस पर आना चाहिए कि आप जो चीज उसको दे रहे हो ना, वो 100% है। और जब आप उसको यूज करोगे, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल मेरे घर में है, मेरे एक रिलेटिव हैं जिनको BHU के डॉक्टर ने मना कर दिया था, उनका 1-1.5 साल से ट्रीटमेंट चल रहा था, और जब वो इनिशियली BHU में आए थे, क्योंकि मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ, तो उन्होंने जब मेडिसिन शुरू करी थी, और 1 महीने में लगभग आप समझ लो 27 से 35 हज़ार की मेडिसिन लगती थी उनकी इस ट्रीटमेंट के लिए। सिरोसिस का था, लगभग 80% डैमेज हो चुका था, जबकि वो ड्रिंक भी नहीं करते हैं, गॉड नोज क्या हुआ, बट हाँ उनको एक बार हेपेटाइटिस हुआ था, हेपेटाइटिस ए हुआ था, जिस वजह से लिवर वो डैमेज हुआ था। एंड एट दैट टाइम जब वो इनिशियली शुरू कर रहे थे सप्लीमेंट मेडिसिन अपनी, तब भी हमने बोला था कि आप हीमोहीम के साथ मिल्क थिसल लो। अभी मिल्क थिसल इंडिया में नहीं आया था, हमने उनको बाहर से लेने के लिए बोला था कि हम मंगा करके आपको दे देंगे। बट एज यूजल सबके संग वही प्रॉब्लम होती है, अपने कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अपने घर के लोगों की बात को ही नहीं सुनता, मेरी भी नहीं सुनी उन्होंने। एंड 1 से 1.5 साल तक उन्होंने कंटिन्यू 35 हज़ार के करीब हर मंथ खर्च किया, क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी अपने को मरता नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर मना भी नहीं कर रहा है कि दवाई फायदा नहीं कर रही, और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, वेट अलग बढ़ा जा रहा है क्योंकि लीवर काम नहीं कर रहा। अगेन वो लोग खुद से हम लोग के पास आए, मैंने जिनके थ्रू उनसे बात करी थी, उनके थ्रू उन्होंने बोला कि जो ये प्रोडक्ट बताया जा रहा है मुझे, इसका मुझे डिटेल दो। फिर उनसे रिपोर्ट फिर से मांगी गई, और रिपोर्ट 1 साल से और वर्स थी। और आज वो जो पर्सन है, उनका लिवर जो है, जो 80% अबव डैमेज हो चुका था, वो लगभग 45% तक रिकवर हो रहा है। अभी भी उनके सप्लीमेंट्स चल रहे हैं, मेडिसिन भी चल रही है, डॉक्टर इवन सरप्राइज की जो चीज के लिए उन्होंने आशा खो दी थी वो कैसे इम्प्रूव हो रहा है। और वो खुद पर्सन अब अपने लोगों को बताते हैं, या किसी को कोई दिक्कत होती है ना, तो वो खुद कहते हैं एक बार हीमोहीम लेकर के देखना, क्योंकि उन्हें हर चीज हर प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है, लेकिन हीमोहीम उन्हें पता है कि ये हमारा द प्रोडक्ट है, तो उसको वो इमिडिएट कहते हैं, कहते आप एक बार शिखा से बात कर लो और हीमोहीम जरूर ले लेना, बहुत फायदा करेगा। तो वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए जब आप किसी से बात कर रहे हो, ऐसा नहीं हो कि आप बोल रहे हो और खुद डाउट में हो,
और एकदम से लड़खड़ा रहे हो, आवाज आपकी कहीं जा रही, कोई फायदा नहीं होगा। जब तक वो कॉन्फिडेंस आपकी बातों में नहीं दिखेगा, और ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? शायद मेरे हाथ में ये बॉटल आप देख करके समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये बॉटल मेरे घर में खुद यूज हो रही है। दैट्स वाई इतने श्योरली मैं इस चीज को कह सकती हूँ, क्योंकि इसका फर्क मैंने अपने बॉडी में देखा है। मैं इसको यूज करती हूँ क्योंकि आई थिंक 1 साल पहले मुझे भी थोड़ा सा फैटी लीवर का प्रॉब्लम शुरू हो रहा था। तो क्योंकि मेरी आदत है, हर 3 महीने पे मैं एक बार ब्लड चेक वगैरह कराती हूँ। अभी इनिशियली था तो मैंने उस समय, हम लोग की कंपनी का ये आ चुका था, इमिडिएट मंगाया, और वो फैटी लीवर अब पता नहीं कहाँ है। गॉड नोस, फैटी लीवर का लिवर जो फंक्शन टेस्ट होता है सारा, वो अब बिल्कुल क्लियर रहता है। तो वो तब आप बता सकते हो जब आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट होगी, आप यूज करोगे, वो ट्रस्ट आप खुद लेकर के आओगे। तो यहाँ पर जितने भी उपस्थित लोग हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ प्रोडक्ट के पीडीएफ को एक दूसरे को शेयर करने से कुछ फायदा नहीं है कि मिल्थिसिल है, इसका पीडीएफ ये है, आप देख लो। नहीं, आप वो प्रोडक्ट ले जा करके उसको दिखाओ, उससे बात करो, उस पेशेंट की प्रॉब्लम को समझो और उसको समझाने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है कि साइंटिफिक लैंग्वेजेस आपको आए, जरूरी ये है कि उसकी प्रॉब्लम किस चीज से सॉल्व होगी उसको वो बताओ। आप उसकी उस पॉइंट को आप पकड़ो कि आपका जो प्रॉब्लम है वो आप हमें बताओ, और अपने किसी भी वेल नोन ट्रेनर के साथ बात करके फिर वो प्रोडक्ट को सजेस्ट करिए। सिर्फ मीटिंग्स में आकर के सुन करके, कई बार होता है कुछ लोग मेरे से भी बात करवाते हैं, मैम आप इनसे बात कर लो, आपकी बात को समझ में आएंगे। लेकिन बात कराने से, जब वो कन्वर्सेशन हो रही हो, तो जो कॉन्फ्रेंसिंग होती है ना, उसमें आप भी इन्वॉल्व होने चाहिए। कि जब हम लोग किसी से बात कर रहे हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि क्या बात करनी है। तो मिल्थिसिल का जो प्रोडक्ट है ना, इसको अपने घर में आप सभी लोग उन सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हैं जिन भी लोगों को प्रॉब्लम है इन सारी चीजों से, चाहे वो कह सकते हैं कि एक ड्रग्स जैसे मेडिसिन का जो इन्फेक्शन होता है किसी को, एंटी एलर्जिक के तौर पर भी आप मिल्थिसिल को यूज कर सकते हैं अपने घर में। मिल्थिसिल तो मुझे लगता है कि अपने घर में हर किसी को रखना चाहिए, क्योंकि ये मिल्थिसिल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स भी मिला हुआ है। तो जिन भी लोगों को, और मेरे हिसाब से अभी यहाँ मीटिंग में भी अगर हम 280 लोग हैं ना, तो 280 में से 275 लोगों को एसिडिटी होगी, बेवजह डकारें आती होंगी, बेवजह लोग अननेसेसरी ड्रॉजिनेस के शिकार होते होंगे, किसी का पेट निकला होगा, किसी को चक्कर आते होंगे। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं ना, इसमें से आधे से अधिक के गॉल ब्लैडर में स्टोन होगा, आप टेस्ट करा करके देख लो। क्योंकि ये कहीं भी आप चेक करा लो, ग्लोबली कहा गया है कि 5 लोग में से 1% ग्लोबली पाया जा रहा है लिवर इन्फेक्शन का। वही इंडिया में क्या है सिचुएशन, 5 में से हर 2 व्यक्ति लिवर इन्फेक्टेड है, और लिवर इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा मेन रीजन है। आज आप मैक्सिमम लोगों से जब बात करोगे ना, तो उनमें से मोस्टली लोग यही कहेंगे, मेरे को गॉल ब्लैडर में स्टोन है, किडनी में स्टोन है, या किसी और जगह पे स्टोन है, यूट्रस में स्टोन है, स्टोन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। और दूसरा, उसमें से कुछ एक लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे अभी मैंने ऑपरेशन कराया है कि वो स्टोन गॉल ब्लैडर रिमूव करा दिया। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, जिस तरह का हमारा सिनेरियो है ना, इसमें ये कॉमन प्रॉब्लम है और ये सारी चीजें हमें दिखती हैं। तो आप अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के विश्वास के साथ, आपको वो विश्वास नहीं आ रहा ना, वो विश्वास मेरा आप देख लो, मेरी बातों से वो विश्वास गेन करो। और बिंदास अगर आपको आपके घर में आसपास में कोई भी ये कहता है ना कि मैं जरा सा कुछ भी खाता हूँ तो मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है, मैं जरा सा कुछ भी बाहर का खा लेता हूँ मुझे वॉमिटिंग होने लगती है, आज मैंने ये खाया तो पेट खराब हो गया, दीज आर ऑल द सिम्टम्स कि आपके लिवर में इन्फेक्शन शुरू हो चुका है। और ये कोई आम बात नहीं है, ये आज लिवर में शुरू हुआ है, ये धीरे धीरे आपके पैंक्रियाज में जाएगा। थायराइड की प्रॉब्लम आज मैक्सिमम लोगों को है, थायराइड ऐसे ही कुछ भी नहीं है, और ये मैं कोई डरा नहीं रही हूँ, ये आज का फैक्ट है। जितनी जल्दी हम लोग फैक्ट को मान लेना, ये उतना अच्छा है। थायराइड की प्रॉब्लम घर के हर एक सदस्य में, किसी ना किसी एक में आपको मिलेगी मिलेगी, और ये सारी बीमारियां हम भर के बैठे हुए हैं।
हमारे पास शुगर है, क्यों? क्योंकि शुगर लेवल हमारे अंदर होता है, जब कम होता है तो बीमारी हो जाती है, अधिक होती है तो बीमारी होती है। थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे कम हुआ तो बीमारी हो गई, हाइपरथायरॉइडिज्म हो गई, अधिक हुआ तो हाइपोथायरॉइडिज्म हो गया। एक में आपका बॉडी फैल जाता है, एक में बॉडी आपका सिकुड़ जाता है। बीपी की प्रॉब्लम, भाई ब्लड है तो प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर कम हो अधिक हुआ तो वो हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। तो प्रॉब्लम तो हर चीज हम अपने अंदर लेकर के बैठे हुए हैं, और मैक्सिमम लोग यहाँ पर जितने भी हैं इनको कोई ना कोई चीज से बीमारी है। ये बीमारी कब हो रही है? क्योंकि आज हम लोग मोस्टली 100% लोग, क्या होता है, 2 से 2.5 घंटा ट्रेवल करके ऑफिस जाना है, फिजिकल कोई रूटीन नहीं है, चेयर पे बैठे रहना है, उसके बाद जब आप घर पे आते हो इतने टायर्ड हो चुके होते हो कि वॉक, एक्सरसाइज, योगा, ये तो आपके जीवन से कहीं डिटैच हो चुका है ना। मतलब आप ये सोच लीजिए कि आज हमारी स्थिति ये है तो हमारी आगे वाली जनरेशन की स्थिति क्या होगी। आज की डेट में कोई बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि मैं भी उसी फेज में हूँ, हमारी इतनी हेक्टिक लाइफ है, हम सुबह जल्दी जल्दी कुछ भी होता है, पराठा सब्जी या कुछ भी, एक प्रॉपर डाइट तो नहीं बना के खा के जा रहे हैं ना। मेरे साथ भी वही होता है, बिकॉज मैं भी वर्किंग हूँ, तो जल्दी जल्दी वो चीज स्टफ करके बना लिया जिस चीज में वेजिटेबल का भी कंजम्पशन है। चलिए ओवरऑल ठीक है, हमने वेजिटेबल को भी कंज्यूम कर लिया, सारी चीजें हो गई। अपने घर से एक जनरल में आप लोगों को, मैं हर सेशन में जो भी हमारा डाइजेशन से रिलेटेड होता है मैं कहती हूँ, अपने घर से सफेद चीनी, सफेद नमक, रिफाइंड हटा दीजिए, बिल्कुल से हटा दीजिए। उसकी जगह पे आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज है, आपके डाइजेशन को भी सही रखेगा, आपके गट को भी हेल्दी रखेगा, क्योंकि सेंधा नमक का यूज जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपके बॉडी में अच्छा होता है, इजीली डाइल्यूट हो जाता है और हर जगह है, हीलिंग का भी काम करेगा। सफेद चीनी की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन आप वहां पर खांड जो होती है, देसी खांड जो होती है जिसे हम भूरा भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करिए, बेस्ट प्रोडक्ट है, चीनी की कोई जरूरत ही नहीं है। चाय पत्ती अगर आप यूज करते हैं चाय को, तो चाय तो भाई इग्नोर नहीं हो सकती, मेरे से भी नहीं होती है तो, बट एक टाइम कर दीजिए, जरूरी नहीं है कि दिन भर में 4 बार आप चाय पियो। मैंने भी अपनी एक चाय सिर्फ रखी हुई है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के समय, क्योंकि वो मेरी कमजोरी है, मैं क्या ही बताऊं, बट अर्ली मॉर्निंग, उस जो कहते हैं ना, उस चाय के टॉक्सिक को कट ऑफ करने के लिए मैं अपना मॉर्निंग जो है वो ब्लैक कॉफी से शुरू करती हूँ। एक कप ब्लैक कॉफी शुरू किया अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद स्पाइरुलिना एक ले लिया, एंड देन आफ्टर जो भी मेरा वर्किंग सेशन होता है उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करके फिर अपना प्रॉपरली चली जाती हूँ सारा काम करने के बाद। ये मेरा मॉर्निंग का शेड्यूल है, क्योंकि मुझे चाय चाहिए, लेकिन चाय का जो कैफीन है वो मुझे नुकसान करेगा, मुझे ये भी पता है, लेकिन कहते हैं ना, जो चीज आपके शुरू से आदत में है वो आप इतनी इजीली नहीं छोड़ सकते हो, बट अगर 4-5 चाय से आप सिंगल एक कप चाय पे आ गए हो तो ये भी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। तो वहां पर आप उसके भी टॉक्सिक को डिस्कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ब्लैक कॉफी का कंजम्पशन करिए, ये आपके गट को भी हेल्दी करेगा और वो जो कैफीन वहां पर आपने चाय का लिया है उसको रिड्यूस करेगा। सब चीज है हमारे पास, बस कॉन्फिडेंस नहीं है अपने प्रोडक्ट पे, इसलिए महंगे भी लगते हैं और इसीलिए फायदा भी नहीं करता है। लोग कहते हैं 1 महीना यूज किया फिर कहते हैं फायदा नहीं कर रहा, कैसे फायदा करेगा? 1 महीने के प्रोडक्ट के लिए आपने जो 8 साल, 10 साल, 20 साल से केमिकल यूज कर रहे हो उसको हटने तो दो बॉडी में से। कोई भी प्रोडक्ट का एक प्रॉपर रिजल्ट आने में 2 महीना आप मान लीजिए, इमिडिएट इफेक्ट आपको दिखेगा किसी भी प्रोडक्ट का, इमिडिएट रिजल्ट दिखेगा, लेकिन एक परमानेंट रिजल्ट आपको देखने के लिए, जैसे अगर हम चेहरे की बात करें अपने प्रोडक्ट्स के लिए ना, तो हमारे इवनिंग केयर का रिजल्ट आपको इंस्टेंट दिखता है, लेकिन वही इंस्टेंट रिजल्ट परमानेंट करने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 महीने इवनिंग केयर के सेट को यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको प्रॉपर रिजल्ट दिखेगा। ऐसा नहीं है कि बस आज एक दिन इवनिंग केयर यूज कर लिया गोरे हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। और किसी को भी गोरे होने का दावा करने की जरूरत नहीं, अगर आप हेल्दी रहोगे ना तो आपका चेहरा भी शाइन करेगा, आपके जो चेहरे का ग्लो होगा वो भी अपने आप बढ़ेगा। मेरे से लोग कहते हैं कि मैम जो हमारी आई क्रीम है उसके लिए क्या, भाई अगर मेरा लिवर खराब है तो डेफिनेटली मेरा डाइजेशन खराब होगा, मेरा डाइजेशन खराब होगा तो मेरे ब्लड का सर्कुलेशन खराब हो रहा है, मेरे ब्लड का सर्कुलेशन खराब होगा तो मैं स्ट्रेस में रहूंगी, स्ट्रेस में रहूंगी और मेरा काम जो है वो है
स्क्रीन टाइम पे, चाहे वो लैपटॉप का हो, मोबाइल का हो, या आप कह लो स्कूल में भी अगर मैं कर रही हूँ तो मोस्टली हम लोग का काम जो रहता है, पीडीएफ मेकिंग हो गया, कॉपी चेक करना हो गया, रात में 11 बजे तक 12 बजे तक बैठ के कॉपी चेक कर, तो वो आंख फोड़ने का ही तो काम है। तो वो स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा ना, आंखों पे जोर पड़ेगा ना, तो आंख के नीचे काले घेरे तो आएंगे ही आएंगे। तो उसके लिए खाली क्रीम लगाने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें इंटरनल भी अपना काम करना पड़ेगा। इंटरनल क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिवर को हेल्दी करना पड़ेगा। तो लिवर को हेल्दी करने के लिए तो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। अगर सिर्फ डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स ले लीजिए, दैट इज ओके। लेकिन अगर प्रॉब्लम लिवर तक पहुंच चुकी है, लिवर के सिक्रीशन से गड़बड़ी हो रही है, तो सबसे पहले न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स से भी पहले आपको हमारा मिल्कफिसिल लेना पड़ेगा। मॉर्निंग इवनिंग एक एक टैबलेट, अगर बच्चों की बात है तो सिंगल टैबलेट अल्टरनेट डेज पर, अगर 15 ईयर्स से कम के बच्चे हैं तो एक टैबलेट एक दिन छोड़ करके देना आप शुरू करिए, क्योंकि ये उनकी हेल्दी हैबिट्स को बनाने में हेल्प करेगा। स्पाइरुलिना, अभी अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो यहाँ का AQI लेवल इतना ज्यादा खराब है कि हम लोग, मैं तो अपने बच्चों को हमेशा स्पाइरुलिना जरूर देती हूँ मॉर्निंग में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये जो टॉक्सिसिटी है वो मेरे बच्चों को कहीं ना कहीं लंग्स में इन्फेक्शन प्रोवाइड करेगी ही करेगी, चाहे मैं कितने भी प्रिकॉशन के साथ लेकर के जाऊं। तो वहां पर हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देना होगा, उन्हें अंदर से स्ट्रांग करना होगा। मास्क लगाने से आप बाहर के पॉल्यूशन को रोक सकते हो, लेकिन जो सांस लेने से जो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो और वही सांस के थ्रू वापस आपका जा रहा है, क्योंकि मास्क लगा हुआ, तो जो आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहा है वो भी तो अंदर जा रहा है ना, तो वो भी तो नुकसान करेगा। तो उसके लिए अंदर से बॉडी को सही होना पड़ेगा ना। तो वहां पे आप इनको कम से कम इस्तेमाल कराओ बच्चों को स्पाइरुलिना। इस वाले सिनेरियो में जो दिल्ली एनसीआर वाले लोग हैं, इन लोगों को मैं सजेशन दूंगी कि आपका बच्चा अगर 5 साल से ऊपर का है तो उसको स्पाइरुलिना देना शुरू करिए। अगर आपसे 5 साल से 10 साल का बच्चा है तो एक स्पाइरुलिना को हाफ करिए, और फिर उसका जो प्रोडक्ट है उसको दूध में मिला करके या किसी भी प्रोडक्ट में जिसमें वो खा सकता है उसको दे दीजिए, एक कैप्सूल को 2 बार में। बट अगर 10 साल से ऊपर का बच्चा है तो एक सिंगल कैप्सूल उसको डेली दीजिए। बच्चे का वेट अगर ज्यादा है तो खाना खाने के पहले दीजिए, ब्रेकफास्ट से पहले दे दीजिए, खाना खाने के बाद उन बच्चों को जिनका वेट कम है, जो अंडर वेट है। बाकी मिल्कफिसिल, अगर आपका बच्चा जंक फूड वगैरह बहुत ज्यादा प्रेफर करता है, बाहर की चीजें बहुत प्रेफर करता है, आप बहुत ज्यादा टाइम कम देते हो अपने किचन में, और मोस्टली आपके घर में जोमेटो और स्विगी के भोजन आ रहे हैं, रेडी टू ईट वाले पैकेट खुल खुल के आपके घर में खाना बन रहा है, तो आपके घर में उन पैकेट्स को खोलने के पहले मिल्कफिसिल का डब्बा खोल के बैठ जाना ज्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि हमें अपने आप को सेफ भी तो रखना है। तो मेरे हिसाब से इन सारी चीजों की, क्योंकि मैं स्लाइड शेयर कर सकती हूँ लेकिन कुछ मेरा यहाँ पर नेटवर्क का इश्यू आ रहा है जिस वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, और ये सेशन में चाहूंगी कि फिर एक बार मैं आप लोग को स्लाइड्स के जी तौर पर मैम, भी समझाऊं, बट कोई नो दिक्कत डाउट स्लाइड्स भी शायद मैं इतने बेहतरीन तरीके से नहीं समझा पाती जितने अच्छे से मैंने अभी आप कोई लोग तक मैम, कुछ एक्सप्लेन क्वेश्चन करने है की ना, मैं क्वेश्चन कोशिश आपको की। करता हूँ। मेरे पास मैम क्वेश्चन आए भी हैं बहुत सारे, राइट राइट मैम सुन पा बिल्कुल रहे हो मुझे? कंटिन्यू। हाँ सुन हाँ पा रहे हो? कंटिन्यू। हाँ, कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको पूछ लेता हूँ मैम। एक बार मेरे पास क्वेश्चन आया मैम, इसको मिल्कीसल एक टाइम लेना है या दो टाइम लेना है? बेस्ट टाइम क्या रहेगा मिल्कीसल लेने का मैम? मैंने अभी बताया कि मिल्कथिसिल अगर 15 साल से ऊपर के लोग हैं तो वहां पर मिल्कथिसिल आप दोनों टाइम ले सकते हो, मॉर्निंग इवनिंग। लेकिन अगर 15 साल से नीचे के बच्चे हैं, जो जिन्हें हम टीनेजर्स कहते हैं, अगर 19 ईयर्स तक के बच्चे भी हैं अगर, तो सिंगल टैबलेट आप उनको दीजिए। अगर 10 साल तक के बच्चे हैं तो एक दिन छोड़ करके एक टैबलेट दीजिए। ओके। और खाना खाने के पहले भी ले सकते हो, बाद में भी नहीं, ले सकते हो, खैर कभी भी मिल्कफिसिल ले सकते खाना हो खाने के बाद, मिल्कफिसिल हमेशा खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद में, बाद कितनी देर बाद में मैम? ऑलमोस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, आप 10 मिनट कर लीजिए, 15 मिनट कर लीजिए, ओके, ठीक है। पहला क्वेश्चन इमीडिएट भी खा आंसर सकते क्लियर हैं, बट है। ये है कि आपका पेट भरा होना चाहिए मतलब मिल्कफिसिल की टैबलेट लेने के बाद। ओके, तो मैम नॉर्मली जिनकी एज 18+ है वो खाना खाने के बाद सुबह और शाम दोनों टाइम पे ले सकते, हाँ अगर प्रॉब्लम है तो, अगर वाकई लिवर से रिलेटेड राइट? प्रॉब्लम है तो आप 2 टाइम लीजिए, बट अगर आप हाँ, प्रिकॉशनरी ले प्रॉब्लम है रहे तभी हैं, तभी तभी। हाँ ओके बट अगर प्रिकॉशनरी ले रहे हैं तो सिंगल कैप्सूल भी काफी है।
चलो ओके डन। और सेकंड एक मैम चीज और क्वेश्चन मैं है कि ये कहूंगी ब्लड रजत जी, यहाँ कैन पर रजत जी एक चीज मैं और कहूंगी, जो लोग प्रिकॉशनरी मेथोसिल लेते हैं ना, वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, 2 महीना या 3 महीना, उसके बाद कम से कम 2 से 3 महीना ब्रेक करके फिर शुरू करेंगे, अगर वो किसी डिजीज के तौर पे नहीं ले रहे, सिर्फ प्रिकॉशन के तौर पर ले रहे हैं, तो आपने 3 महीना रेगुलर कर लिया, उसके बाद 1 2 3 महीना छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर से शुरू करिए, क्योंकि हमें बॉडी को किसी चीज का एडिक्टिव भी नहीं बनाना है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल मैम। फिर हमारी ओके बॉडी अपना एक नेचुरल जो क्वेश्चन, स्ट्रक्चर होगा ना, उसको खत्म करेगी। बिल्कुल एक क्वेश्चन मैम, ब्लड शुगर में क्या मिल्क थिसल काम करता है मैम? हाँ बिल्कुल करेगा, ब्लड शुगर लेवल तो उसके आपका, लेने अगर के लिए अगर ब्लड किसी को ब्लड शुगर है तो क्या कॉम्बिनेशन रहेगा मैम, बेस्ट कॉम्बिनेशन? बेस्ट कॉम्बिनेशन, तो शुगर के लिए देखिए हम लोगों का हीमोहीम और स्पाइरोलिना है, लेकिन अगर ब्लड शुगर लेवल आपका बहुत ज्यादा खराब है, तो उसका इफेक्ट आपके लिवर से कनेक्टेड है, डेफिनेटली कनेक्टेड होगा, वहां पर आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग मेजर करेंगे कि वो शुगर लेवल कहाँ जा रहा है। ओके ओके डन। थर्ड क्वेश्चन आया मैम, हमें फैटी लिवर है ये हमें कैसे पता चलेगा? फैटी लिवर के लिए हमारा टेस्ट होता है, LFT टेस्ट होता है, जिसमें हमारा जो वो टेस्ट के थ्रू पता चलता है। सेकेंडली, अगर आपको, मैंने अभी सेशन के दौरान भी बताया कि अगर आप कुछ भी खा रहे हैं और खाने के इमिडिएट के बाद आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, मतलब मोशंस के लिए अगर आपको जाना पड़ रहा है, कुछ भी चीज आप इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तुरंत से वॉमिटिंग हो जाती है, या कुछ भी ऑयली खाया तो पेट भारी भारी लगता है, डकारें बहुत आती हैं आपको, तो डेफिनेटली आपको वहां पर अपना एक चेकअप कराना जरूरी है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये लिवर डिसफंक्शन की वजह से ही ओके एक क्वेश्चन आया, जस्ट है। लीवर कैंसर में क्या क्या दिया जा सकता है? लिवर कैंसर में सबसे पहले तो हम लोग का हीमोहीम रहेगा, आपका मिल्क थिसल रहेगा, और स्पाइरुलिना रहेगा। ओके तो अगर मैम अपन स्प्रिना मिल्क थिसल और हिमम ले तो कैसे लेना है, मान लो इसकी एज 18+ रहे तो किस किस टाइम पे लेना है अपन को? सबसे पहले तो किसी भी कैंसर पेशेंट की हम लोग जब तक सिचुएशन नहीं देखते हैं, तब तक हमें नहीं पता चलता है कि उसकी कंडीशन क्या है, वो फर्स्ट स्टेज पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे। फर्स्ट तो ये चीज हमारे मैटर करेगा, सेकंड मैटर करता है उसकी एज क्या है, थर्ड मैटर करता है कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि इसकी वजह से भी उसके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड देन हम उसको सजेस्ट करते हैं उसके रिपोर्ट के देखने के अकॉर्डिंग, कि उसमें जैसे उनका बायोप्सी हुआ है तो वो किस स्टेज को फ्लो कर रहा है, क्या क्या चीजें उसमें दिक्कत आ रही है, फिर वहां पर हम उनको बता पाते हैं कि इनको कैसे देना है, और उसके लिए। ओके सारी चीज देखने के बाद में हाँ, ओके एक क्वेश्चन आ बिकॉज रहा वो है मैम, कैंसर है, थायराइड में इसलिए हम अपने प्रोडक्ट्स को सजेस्ट कर दें, मेरे हिसाब से ये कोई इंटेलेक्चुअल चीज नहीं होगी, क्योंकि वो अगर हमारे पे ट्रस्ट कर रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको वो प्रॉपर रिजल्ट मिले, 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल में मिले, लेकिन जिस ट्रस्ट के साथ वो हमारे पास आया है ना, वो ट्रस्ट उसका बिल्डअप रहे और वो बिल्कुल ठीक होकर के हमारे साथ जाए। ओके। एक क्वेश्चन आया मैम, यूरिन में प्रॉब्लम है तो क्या ले सकते हैं? सबसे पहले स्पाइरुलिना वहां पर आप नहीं लीजिएगा, यूरिनल प्रॉब्लम का मतलब है कि किडनी से रिलेटेड अधिकतर प्रॉब्लम होती है, या अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है तो भी वहां पर यूरिन इन्फेक्शन का है, तो अगर आपका किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप स्पाइरुलिना सुबह शाम लीजिए, ऑलमोस्ट 10 15 दिन 20 दिन में एक अच्छा आपको रिजल्ट दिखेगा, और हीमोहीम एक बॉक्स कंटिन्यू कर लीजिए, लेकिन अगर आपका किडनी इन्फेक्टेड है, तो स्पाइरुलिना वहां पर आपको दिक्कत करता है, क्योंकि स्पाइरुलिना में प्रोटीन कंटेंट होता है, 60% प्रोटीन के करीब है, और वो आपकी किडनी को दिक्कत करेगा। दूसरी ओके चीज, यूरिन से रिलेटेड अभी किसी ने पूछा कि यूरिन के लिए, तो वो वही है आपका, इसको करेंगे। पर्टिकुलर स्टोन के लिए कोई भी अभी सप्लीमेंट हम लोगों का यहाँ पर नहीं है, क्योंकि स्टोन के लिए स्पेसिफिकली हम लोग अलास्का ओमेगा 3 को कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो हम लोग के रिव्यूज आए हैं अभी अदर कंट्री से, उसमें है कि मिल्क थिसिल और ओमेगा 3, खासतौर से अलास्का ओमेगा 3 अगर हम लेते हैं, तो किडनी स्टोन का साइज अगर छोटा है तो वो इजिली रिमूव हो जाता है, ब्रेक डाउन होकर के गल के, लेकिन
अगर किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन के साइजेस अगर बड़े हैं, वो पूरे पाउचेस को अगर कवर कर चुके हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग में से कोई उसे इग्नोर ना करे, क्योंकि ये चीजें बर्स्ट होती हैं। बर्स्ट होने के बाद आपके अदर ऑर्गन इंस्पेक्ट हो जाते हैं, तो पहले सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करा करके उसकी जो कंडीशन है उसको देख लीजिए। उसके बाद अपने सप्लीमेंट्स तो आप ले सकते हैं प्रिकॉशनरी की, कुछ इंटरनल डैमेज ना हो। लेकिन अगर लगता है कि सर्जरी करनी आवश्यक है तो जरूर जाए सर्जरी की तरफ, बट वो सिचुएशन आपकी डिपेंड करेगी कि क्या कंडीशन है उसकी, स्टोन्स की साइज की। ओके okay, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मैम। बॉडी में वीकनेस है तो मिल्क किसे ले सकते हैं या? हाँ, बॉडी में वीकनेस जिस वजह से है, पहले उस वजह को जानने की कोशिश करें। अगर वीकनेस है तो सिंपली आप हीमोहीम का 10-15 दिन कोर्स कर लीजिए और स्पाइरुलिना कंटिन्यू कर लीजिए। और वीकनेस के साथ अगर झुनझुनी भी है, जैसे कहते हैं ना कई बार कुछ लगता है चींटियां सी चल रही हैं, तो ये विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है जिस वजह से आपको ये दिक्कत हो रही है, तो आप मिल्क स्टिल ले सकते हैं। ओके okay. लंग्स की प्रॉब्लम हो ना किसी को, मतलब सांस फूलती है, अस्थमा टाइप में हो, स्पाइरुलिना और हीमोहीम, हीम और स्प्लेन। ओके ठीक है। ब्लैक गैस की कॉफी का प्रॉब्लम में कंजम्पशन मैम? भी कर सकते हैं वहां पर। ओके okay. अगर चाय वाय लेते हैं तो सबसे पहले मना कर दें, और सिर्फ सप्लीमेंट्स लेने से नहीं होगा, अपनी वॉक शुरू करें, और वॉक भी फ्रेश एयर में। अगर आप कंटामिनेशन वाली जगह पे हैं तो कभी भी वॉक करने ना जाएं। कोशिश है वहां पर घर में बैठ करके योगा जो होता है, जिसमें इनहेल एक्सहेल की प्रोसेस होती है, उन योगासन को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। ओके और कोई डाउट है पूछ सकते हैं आज, मतलब एक टॉपिक कवर करिए आप, मिल्क क्रिस्टल पूछिए। आपके क्वेश्चन है ना वो पूरे हेल्थ सप्लीमेंट पे जा रहे हैं, फिर वापस मैम हमें टाइम नहीं देगी, पूरा एक दिन में कवर करा दोगे। तो आप फोकस करिए मिल्क क्रिस्टल के ऊपर। आप क्वेश्चन है, मेरी मम्मी को भी बीपर, फैटी लिवर, यूरिन इन्फेक्शन, वेट भी ज़्यादा है, उनको क्या दे सकते हैं मैम? सबसे पहले तो आप अपना जो मैम फैटी रिपोर्ट लिवर है है, मम्मी का, यूरिन हाँ फैटी लिवर अगर है तो डेफिनेटली हीमोग्लोबिन पे भी असर पड़ेगा उसका, क्योंकि ब्लड फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कम होगी, हीमोग्लोबिन पे भी असर पड़ेगा, थायराइड भी वहां पर आपका लो इंक्रीज हो सकता है, तो वो सारी चीजें मैटर करेगी। पहले हम रिपोर्ट, अगर जो भी हम आपके होते हैं अपलाइन, आप उनके थ्रू अपनी रिपोर्ट सेंड करिए, उसके बाद फिर हम लोग कुछ भी सजेस्ट करेंगे। बिल्कुल मैम। ओके बट एक लास्ट क्वेश्चन प्रिकॉशनरी, आप, आप वहां पर मिल्क थिसल एज सून एज शुरू कर सकते हैं। 2.5 साल के बच्चे को लीवर में गांठ है तो क्या करें? 2.5 साल का ढाई बच्चे है, उसको साल की लीवर में गांठ बच्ची की पर, प्रॉब्लम है। प्लीज 2.5 साल की बच्ची के लिए हम लोग अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, वो क्योंकि आपके ऑब्जर्वेशन में ही रखना पड़ेगा। क्योंकि छोटा बच्चा, उसको अगर आप कोई भी सप्लीमेंट देते हैं और उसको कोई दिक्कत अगर होती है बाय चांस, क्या पता कोई इंग्रेडिएंट उसको सूट ना कर रहा, बॉडी एलर्जिक हो, तो वो बता भी नहीं पाएगा। इसलिए प्लीज वहां पर बिल्कुल ट्रायल बिल्कुल एंड मेथड लेने की कोशिश ना करें, जैसा आपका पेडिटिशियन बताता है उसके अनुरूप काम करें। ज्यादा बिल्कुल बेटर बिल्कुल, ये ऑप्शन बहुत है, सही बात हाँ ज्यादा बेटर ऑप्शन कही है मैम कि आप आपने। ज्यादा एलोपैथिक डॉक्टर से सीरियस उसका, पेशेंट रहे एक बार। बिल्कुल मैम, जी अभी एक रिसेंटली बात है, एक क्लाइंट था जिसको 4th स्टेज का कैंसर था उनको, और उनकी मतलब कुछ दिन ही बचे थे, मतलब उनको डॉक्टर ने मना कर दिया, तो किसी मेरी लीडर ने बात करवाई, उन्होंने उनकी फुल गारंटी ले ली कि हिमोइम से वो फुल सही हो जाएगा। तो जब उन्होंने हिमोइम लिया तो क्योंकि उनकी तो तबीयत बहुत खराब, खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया, 5-10 दिन राइट के बाद उनकी डेथ हो गई। और वो उनके पीछे आ गए कि आपके हिमोइम से उनकी डेथ हो गई। ऑब्वियसली डेथ तो हुई है कि डॉक्टर ने ट्रू मना कर दिया। तो ऐसे जब सीरियस क्रिटिकल सिचुएशन रहे तो आप दावा नहीं करें कि 100% ये है, आप बोलिए हेल्थ सप्लीमेंट है, आपको बेनिफिट करेंगे, और पूरा अपने अप्लाइंस से जो आपके हेल्थ एक्सपर्ट से कंसल्ट जरूर कर लीजिए। कई बार होते हैं, एक 3 साल के बच्चे को मैंने सुना पूरा हिमोइम पिला रहे हैं बिना किसी डाइल्यूट फॉर्म के, तो ऐसा न करें प्लीज, एक बार सजेस्ट जरूर कर लें। ओके बिल्कुल।
ओके, गैस की प्रॉब्लम के लिए मैम प्रोबायोटिक सही है, गैस काफी की, अगर क्वेश्चन आ गया सिंपली ब्रेन वॉश गैस का का प्रॉब्लम है जी। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा अपने खान पीने पे हम लोग ध्यान दें, न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स लेना शुरू कर दीजिए, और थोड़ा सा वॉक। बॉडी को गैस की प्रॉब्लम कब होती है, जब आपका जो खाना खा रहे हो ना वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो खाना खाना मत कम करिए, जो आपकी डाइट है उस डाइट को लीजिए, लेकिन उस डाइट को बॉडी में कंज्यूम करने के लिए कुछ वर्कआउट कीजिए अपने शरीर के लिए, बिल्कुल और वहां पे फिर आपका न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स ही काफी होगा। बट अगर प्रॉब्लम सिर्फ एसिडिटी से हो करके वॉमिटिंग तक जा रही है, अगर आपको इमीडिएट वॉमिटिंग हो जा रही है या चक्कर आ रहे हैं, सडन मोमेंट पे चक्कर भी आने लग रहे हैं, तो डेफिनेटली एक बार अपना ब्लड टेस्ट LFT के थ्रू करा करके जरूर देख लीजिए। ओके। रात के टाइम पैरों में दर्द और झंझनाहट होती है तो क्या रिकमेंड करें मैम? रात के टाइम अगर पैरों में दर्द हो रही है, तो मैंने बताया कि पैरों में झंझनाहट अगर हो रही है तो आपका ब्लड टेस्ट एक बार ये शो करेगा कि विटामिन बी की कमी है, B12 की कमी की वजह से ये झंझनाहट होती है। और अगर विटामिन डी की कमी है, क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है वो अपार्टमेंट्स में रहती है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है, घर में घुसे उसके बाद से फिर नेक्स्ट डे जब ऑफिस के लिए निकलना होता है तभी हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, उस जगह पे सन की प्रॉपर लाइट में हम बैठते नहीं है, तो आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल में ये विटामिन डी की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, जिस वजह से बॉडी पेन हमेशा होते रहता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है और पैरों में दर्द, हाथों में दर्द हो रही है। तो सबसे पहले इन चीजों को नोटिस करिए कि ये रीजन क्या है, उसके बाद अगर विटामिन डी का सप्लीमेंट है तो ओमेगा 3 यूज करिए, विटामिन बी का डेफिशिएंसी है तो मिल्क थिसल आप यूज करिए, दोनों चीज की है तो दोनों को यूज करके आप इस चीज से निजात पा जी सकते हैं। बट एक सबसे एक काइंड सजेशन मेरा ये रहेगा कि सिर्फ सप्लीमेंट्स पे या सिर्फ एक्सटर्नल चीजों पर ज्यादा डिपेंडेंट ना हो, जो आप जो भी खा रहे हैं केमिकल वाला ही खा रहे हैं, लेकिन ग्रीन वेजिटेबल्स पर ज्यादा ध्यान दे, अनाज जो है उन पर ज्यादा ध्यान दे, ना कि जंक फूड्स पर ध्यान दे। साथ ही साथ जो भी चीज खा रहे हैं ना उसको चबा चबा करके खाने की कोशिश करें, खाने पर समय दे। आजकल हम लोग क्या करते हैं, बस मुंह में डाला, ये काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो सब चीज भी मैटर करती है। तो खा रहे हैं ना तो उस समय कम से कम अपने पूरा फोकस भोजन पे रहे, वो सारी चीजें बहुत मैटर करती है हमारी। बिल्कुल मैम, तो एक इंसान पैसा सप्लीमेंट्स कमाता यूज है करें, खाने के लेकिन लिए पेट के लिए। सप्लीमेंट्स की, हाँ सप्लीमेंट्स की एडिक्टिव बनने की कोशिश ना।